तो दोस्तों ऑफ़र लेटर आया हुआ है कुछ दुबई का, और इस ऑफ़र लेटर में चार लोगों का नाम यहाँ पे दिया गया है, और उनका नाम है, पासपोर्ट नंबर और ट्रेड, और ऑफ़र लेटर बताया जा रहा है कि रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी किसी भी कंपनी का दुबई का ऑफ़र लेटर आता है तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम आपको ऑफ़र लेटर दिखाते हैं। देखिए ये दुबई का ऑफ़र लेटर है आपके सामने, और इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों जो भी लोग काम कराते हैं ना, तो अक्सर आपको हम बताना चाहूँगा, इस तरह का जब भी आपको ऑफ़र लेटर मिलता है तो इसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और नीचे देखेंगे दोस्तों तो पूरा डिटेल्स कंपनी का भी रहेगा और आपका भी पूरा डिटेल्स रहेगा यहाँ पे। और नीचे देखेंगे तो आपको सैलरी क्या लगा है नहीं होगा, क्योंकि वो सैलरी वाले पेज ये लोग निकाल देते हैं। और सैलरी वाले पेज इसलिए निकाल देते हैं दोस्तों कि सिर्फ आपको धोखा देने के लिए, कि आपसे बताएंगे कुछ और सैलरी और जाने के बाद वहाँ पर कुछ और सैलरी आपको मिलेगा। तो इसको चेक करने के लिए ट्रांजेक्शन नंबर को कॉपी कर लेते हैं और गूगल पे जाते हैं और लिखना है mohre.eue, ठीक है, mohre.eue लिख करके। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको इस वाले वेबसाइट पे करना होगा क्लिक। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो सर्विस का ऑप्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। नीचे आपको दिखाई देगा व्यू अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो व्यू अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन पे आपको करना होगा क्लिक। और दोस्तों जैसे आप व्यू अप्रूव्ड वाले कॉन्ट्रैक्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सामने व्यू माई कॉन्ट्रैक्ट करके एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपना ऑफर लेटर को चेक कर सकते हैं। यहाँ से दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं, एक तो ट्रांजेक्शन नंबर चेक कर सकते हैं, एक पासपोर्ट नंबर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दोस्तों आपको कैसे चेक करना है। तो ट्रांजेक्शन नंबर जो मैंने कॉपी किया था यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं, फिर आपको पासपोर्ट नंबर दे देना है, नीचे जो कैप्चर दिया गया है नीचे कैप्चर को फिल करके व्यू माई कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑप्शन पर करना होगा क्लिक। और दोस्तों जैसे आप क्लिक कीजिएगा, अगर आपका ऑफर लेटर सही होगा तो आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगा जहां आपका पूरा डिटेल्स शो करेगा, कंपनी का डिटेल्स शो करेगा, कौन से कंपनी में आपका काम हुआ है, कंपनी का मुदीर क्या है, उसका नंबर, फ़ोन नंबर, सारे चीज़ आपको यहां पे मिल जाएगा। और नीचे आपका भी पूरा डिटेल्स रहेगा, आपका नाम, आपके फादर का नाम, पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटीज, ट्रांजेक्शन नंबर, सब चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और उसके नीचे दोस्तों आप आएँगे ना तो आपको यहाँ पे सब डिटेल्स मिलेगा, जैसे कि आप कौन सा ट्रेड में जा रहे हैं और आपका क्या रूल है, क्या कानून है, कितने महीने का प्रोविज़न पीरियड है, सारे चीज़ आपको यहाँ पे देखिए, आपका नाम दिखाई दे रहा है, पासपोर्ट नंबर है और आपका क्वालिफिकेशन है, आपका मोबाइल नंबर है। और आर्टिकल 1 में अगर देखेंगे तो आपके कितने घंटे की ड्यूटी रहेगा, क्या कानून है, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। आर्टिकल 2 में देखेंगे तो आपको और कुछ दिखाई दे देगा। सब चीज़ आप आसानी से 1 by 1 करके आप देख सकते हैं। और अगर आप आर्टिकल 3 में जाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे आपका सैलरी भी शो करेगा, देख सकते हैं आपका। वाओ, ये देखिए बहुत ही कम सैलरी है, इसीलिए ये चीज़ को हटा दिया गया था, 550 AED, मतलब 550 दिरहम है। तो 550 दिरहम में कौन जाता मेरे भाई, 11,000 रुपया हुआ, क्या है फ़ायदा इसका। तो ऐसे देखिए जो मैंने अपर लेटर मारे सिस्टम पर जो मिला है वहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन हम जब ऑनलाइन चेक किया तो सैलरी भी यहाँ पर शो कर रहा है। तो ऑफ़र लेटर आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।